इसको छुपाने के लिए, अपने जो तथ्य हैं उसको छुपाने के लिए कहीं ना कहीं इस मासूम नौजवान युवक पुष्पेंद्र की हत्या की गई है। ये हत्या कोई भी तरीके से मैं कह सकता हूं कानूनी जो दायरा है उसको देख के नहीं किया गया है। अगर आपको कहीं से भी, पहली बात तो जो पुष्पेंद्र है उसके नाम पे आज तक एक भी कोई घटना या FIR नहीं हुई, कहीं भी लड़ाई झगड़े तक की कोई बात नहीं आई, इस परिवार के पास अपना कोई लाइसेंसी हथियार नहीं है, उसके बाद इतनी बड़ी बात कह देना कि उसके पास एक गैरकानूनी हथियार था, उसका भाई CRPF में नौकरी कर रहा है, CISF में कर रहा है, पिताजी की, उनके पिताजी ने CISF में नौकरी करी, तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि किस तरीके से पुलिस ने ये बात कह दी कि एक इंसान, एक लड़के के अंदर ये धारणा आ गई जिसने आज तक हथियार अपने परिवार में किसी के पास ना रखा और उसने जाके पुलिस वाले की हत्या कर दी, गोली चलाई हो पुलिस वाले के ऊपर। दूसरी बात, अगर इनकाउंटर करना ही था, बहुत बड़ी बात होगी, जरूरी हो गया इनकाउंटर करना, एक बार को हम आप सब लोग ये बात मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं, मान लीजिए पुष्पेंद्र से कहीं गलती हुई या कुछ हुआ, तो अगर इनकाउंटर करना ही था तो आप, हम जानते हैं कि इनकाउंटर के लिए कमर से नीचे गोली के चलाया जाता है, कौन सीधे आपके सर पे गोली चला दी जाती है। और जिस तरीके से बीते दिनों से रवैया देखा जा रहा है, कल भी जब बेबस होकर, लाचार होकर, किसी भी तरीके से सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल रही पीड़ित परिवार को, तो उसके बाद परिवार ने अगर बॉडी लेने से मना कर दिया, तो आपने बिना उनको बताए, बिना कुछ किए जाके आपने दाह संस्कार कर दिया। अब आपने जिस तरीके से भी किया हो, चाहे पेट्रोल डाला हो नहीं डाला हो, मेरे लिए तो सबसे बड़ा गुनाह यही है कि एक माता को, एक पिता को अपने बच्चे की आखिरी बार शक्ल भी नहीं देखने दिया। इतना बड़ा कौन सा गुनाह कर दिया था।